ये सारे डिज़ाइन जो है ना मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, तो ऐसे मैं बनाता रहता हूँ बैठा फारग वक्त में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हो रहे हैं 7:30 हो रहे हैं। तो ब्लॉग जो है मैंने आज तकरीबन तीसरा ब्लॉग स्टार्ट करने लगा, इससे पहले दो ब्लॉग किए, तो उससे पहले जो ब्लॉग था आज मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो अभी डाल लिया। तो ब्लॉग मेरा अपलोड हो चुका है। तो आज फाइनली जो मेरा एक नागा था ना, एक रूटीन चल रही आ रही है, ये हुआ है कि टाइमिंग में आगे पीछे हो गया। वैसे तो मेरा सुबह 8 बजे ब्लॉग आ जाता है, आज आया तकरीबन कह लगे शाम के 8 बजे, कह रहे हैं 7:30 हो ही गए हैं। तो आज ब्लॉग लाजमी डाला है लेकिन लेट डाला है, तो चलो डाला तो है ना, तो आज व्लॉग डाल लिया। तो दो एक व्लॉग मैंने और बना लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह तआला आप ये तीसरा व्लॉग है ये भी बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह का बनता है, कैसा बनता है, और देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें। एक व्लॉग तो अपलोड हो गया, तो अभी जो दूसरा व्लॉग है वो अभी एडिट करते हैं, तो अभी एडिट करूँ तो इंशाल्लाह वो कल आएगा। ये व्लॉग बना इंशाल्लाह तआला, अगर ये देखते हैं अच्छा बनेगा तो ये इंशाल्लाह परसों आएगा। आज लगा करो मैं कल छुट्टी की है, तो आज माशाल्लाह दो व्लॉग बन ही गए हैं, तो तीसरा भी बन रहा है। तो अभी जो है दूसरा व्लॉग मैं एडिट कर लूँ। 7:30 हो गए और बिजली चली गई है, तो अब आएंगे तकरीबन घंटे बाद, पूरे घंटे बाद अब लाइट आ गई है। तो अभी मैं आ गया नीचे, व्लॉग बाद में एडिट करूँगा, तो अभी फिलहाल जो है डिनर कर लेते हैं। अभी नीचे तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू है जो आ रही थी, तो अभी आके देखा है तो यहाँ पर पका हुआ है माशाल्लाह जी चिकन का कौरमा वगैरह लग रहा है कुछ देखने में, तो ये पका हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी मैं खा लूँ खाना, चलो भाई। आज बिजली ना एक एक घंटे के बाद आ रही है, एक एक घंटे बाद जा रही है, तो बहुत ज़्यादा आज लोड शेडिंग हो रही है। तो अभी बिजली गई हुई थी तो मैं बाहर ही था, लेकिन अभी बिजली आ गई है, तो हम भी चाय वगैरह पी के वापस आ गए। तो अभी बैठ के जो ब्लॉग है वो एडिट कर लेते हैं। 11:30 हो गए और लाइट दोबारा चली गई है, ब्लॉग भी अभी मेरा अपलोड कह दिया, अभी जो एडिट भी नहीं हुआ, तो पता नहीं कब 12:00 बज ही जाएंगे। इस तरह लाइट आ रही है जा रही है, तो अभी आएगी तकरीबन 12:30 जाके फिर देखेंगे व्लॉग एडिट करने का। चलिए लाइट आ गई है, अभी 12 बज गए तकरीबन, आधे घंटे बाद लाइट आ गई है, तो अभी व्लॉग एडिट कर लेते हैं। और अभी इससे पहले कि बिजली चली जाए व्लॉग एडिट कर लूँगा। गए तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज गए, तो अभी जो है मेरा व्लॉग जो है एडिट हो गया, अपलोड हो चुका है, तो अभी जाकर सोना ही लगा हूँ। तो अभी 2 बजे मॉर्निंग गाइस, तो अभी मैं आया चूज़ों को अपना दाना वगैरह डालने के लिए। तो आज तकरीबन सुबह से बिजली गई है, तो अभी आएगी 2 बजे, तो आज काफ़ी ज़्यादा लंबी बिजली गई है, तो अभी मैं इन्हें डाल दूँ। तो इनके लिए मैं लेके आ गया था ये खुराक फीड जिसे कहते हैं, तो ये डालनी शुरू की है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अबू जी को बता, थोड़ा सा काम है, तो अबू जी को बता लेके जाने लगा अभी मैं। यहाँ पे बिजली वाले बारिश वगैरह डाल रहे हैं, न्यू चेक करें कितना खतरनाक काम वहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं दोनों। ये भी तार वगैरह डाल रहे हैं ना यहाँ पे, मेरे ख्याल यही वजह थी हमारे यहाँ बिजली की ये 2 बजे तक। तो अभी यहाँ पे वायर्स डाल रहे हैं, अभी ये वायर आपको नजर आ रही है ना जा रही है वो तक जा रही है, तो ये अभी यहाँ पे खम्भों पर डलनी है ये वायर। तो अभी 1 बज गए तो वायर अभी नीचे है, तो अभी खम्भों में डालनी इन्होंने। अभी 2 बजने में तकरीबन 3 मिनट रह गए, देखते हैं बिजली आती है कि नहीं आती। अभी जनरेटर हमारा चल रहा है, 2 बज चुके हैं, तो अभी फिलहाल जो है बिजली नहीं है, अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो पता नहीं, अभी फिलहाल बिजली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गई स्टार्ट, फाइनली स्टार्ट हो गई गाड़ी। एक हफ्ता हो गया था गाड़ी सीधे चला करी थी, तो मैंने कहा बैटरी ना डाउन हो जाए तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, तो फाइनली स्टार्ट हो गई। अभी 2:30 बज गए हैं, तो बिजली भी अभी तक नहीं आई। फाइनली जी 3:30 बजे लाइट आ गई आखिरकार, तो अभी बैठ के थोड़ा सा काम वगैरह कर लेते हैं, ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं।
अभी अभी मैं ना एक शर्ट डिज़ाइन करके हटा हूँ, तो काफ़ी देर पहले मैं शर्ट डिज़ाइन का काम करता था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे फारिग ही बैठा था आज मैं, तो मैंने कहा चलो एक शर्ट डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये शर्ट डिज़ाइन की है, तो बाइक लवर्स के लिए, जो बाइक लवर्स हैं, जो एक बाइक है खास तौर पर, उसका नाम है हायाबुसा, उसके काफ़ी ज़्यादा लवर्स हैं, उनके लिए मैं आज शर्ट तैयार की है। तो कैसी लगी है आप देख के बताइएगा। तो मैंने थीम रखा है ब्लैक एंड वाइट का, तो बाकी जितना भी मेरा मैसेज है वो ब्लैक में है, बाकी जो शर्ट है वो मैंने कर दिया वाइट। तो देखने में तो अच्छा डिज़ाइन लग रहा है मुझे, तो आप बताइएगा कैसा डिज़ाइन है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं शर्ट में, अभी रेड में भी आएगा, तो अभी थोड़ा सा नट्स हुआ है या क्या मसला है, अभी रेड में भी दिखाते हैं आपको ये शर्ट कैसी लगती है। रेड में शर्ट इस तरह की लग रही है, तो दरमियान में बन रहा है, वो कहते हैं स्क्वेयर बन रहा है, और उसके दोनों चारों तरफ जो है बाइक्स वगैरह हैं, काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें येलो कलर भी है, पिंक कलर का जो कलर चाहिए तो वो है। लेकिन ये काम अभी मैंने छोड़ा ही हुआ है, वैसे मैं डालता रहता हूँ कि ये एक साइड थी या मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, या ब्लू में तो ये येलो में तो जो शर्ट का कमाल लग रही है, ये चेक करें शर्ट कमाल लग रही है। तो इसमें मोबाइल केसेस भी आते हैं, अकेला जो शर्ट है वो नहीं आती, तो ये स्टिकर्स भी हैं, मग भी है, और इस तरह के ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं इस साइट पे। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने और भी डिज़ाइन डाले हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैसे अर्निंग मेरी कुछ खास इस साइड से हो नहीं रही, तो एक इशू आ रहा है पाकिस्तान में, अकाउंट वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह नहीं बनते, तो वो मेरा बना नहीं है, तो वो मैं लगा नहीं सका, तो इसलिए अभी कोई काम इतना खास है नहीं। लेकिन वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरह का मैंने अपना नाम रखा है शॉप का, ब्रावो बाइकर्स, ब्रावो बाइकर्स ये मेरा लोगो है, और नीचे जो है ये डिज़ाइन वगैरह मैंने डाले हुए हैं, ये भी बाइक का है, ये कार का है, ये भी बाइक का है, ये तीनों बाइक के डिज़ाइन है, और इसी तरह ये भी बाइक, ये भी बाइक, ये भी कार, ये भी कार, ये सारे डिज़ाइन जो है ना मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, तो ऐसे मैं बनाता रहता हूँ बैठा फारग वक्त में, तो वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये वेस्पा, तो ये सारे डिज़ाइन वगैरह जो कि मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। काफ़ी ज़रा और भी डिज़ाइन है मेरे पास जो मैंने दूसरी साइड पे डाले थे, तो वो साइड ही बंद कर दी उन्होंने, हमारा काम ही बंद कर दिया, तो इसलिए तो यही सब कुछ मैंने कहा ब्लॉगिंग करने में कुछ था नहीं, तो मैंने बैठ के शर्ट डिज़ाइन कर लिए। तो आप बताइएगा कैसा डिज़ाइन लगा आपको ये वाला जो मैंने अभी अभी डिज़ाइन किया ना, तो यहाँ पे बताते ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। थिंक हायाबुसा, थिंक हायाबुसा करने का मेरा मतलब ये था कि लोग कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोचा करें, तो वहाँ से मैंने ये आइडिया लिया थिंक हायाबुसा। तो इसी तरह की मैंने एक शर्ट डिज़ाइन की थी थिंक लैम्बोर्गिनी, क्योंकि जो लैम्बोर्गिनी का शौक रखते हैं ना, तो खैर वैसे वो डिज़ाइन चला नहीं था खास, तो ये अभी बनाया, तो देखते हैं क्या बनता है, चल मेरा कोई भी नहीं। मुझे लग रहा है ये ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा हो रहा है, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद है आप आज वाला ब्लॉग जो है बोरिंग कह लें या जो भी कह लें, जैसा भी ब्लॉग था अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।